नमस्ते, मेरा नाम देवदत्त पटनायक है और आज हम आइकॉन डिस्कशन में देवदत्त करने वाले हैं। तो ये एक चित्र है जो मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे वो महाबली हनुमान नहीं, यहाँ पे ही इज नॉट अ फाइटर, हियर ही इज अ पोएट। तो ये कवि है, यहाँ पे संगीत गा रहे हैं, भक्ति रस में राम की भजन गा रहे हैं। और ये जो देखेंगे कदली का वन है, कहते हैं कि हनुमान जी कदली वन, कदली वन मतलब बनाना फॉरेस्ट। ही इज सिटिंग इन द बनाना फॉरेस्ट एंड ही इज लिसनिंग टू राम भजन दैट ही इज कंपोज एंड ही इज सिंगिंग। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ हनुमान एंड आई थॉट इट्स ग्रेट फन टू सी हनुमान इन अ डिफरेंट वे। हमें तो हम बजरंग की वो अपने हाथ में संजीवनी का वो पर्वत उठा के, हाथ में गदा होते, गदाधारी होते हैं, योद्धा रूप में, रुद्र रूप में देखा गया है, ये शांत रूप में देखा गया है, संगीत करते हुए शायद ध्रुपद में गा रहे हैं ये। सो दिस इज अ वेरी नाइस आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन डन बाय अ फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हनुमान रामायण लिखी है कदली के पत्तों के ऊपर। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है कि हनुमान ने भी हनुमान रामायण लिखी थी, जहाँ पे उन्होंने राम के रस और भाव के बारे में व्यक्त किया था। सो अगर आपको आपके घर के आइकॉन्स के बारे में डिस्कस करना हो तो हमें आइकॉन के पिक्चर्स भेजते रहिए बीच बीच में आपके नाम के साथ, और जब टाइम मिलेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। नमस्ते।